नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। ईवीएम को लेकर पटियाला हाउस में तमाम वकील एकत्रित होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने छेड़ दिया है ताया। ईवीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक और भाजपा के लोग कहा करते हैं मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी तेलंगाना में क्यों नहीं चली भाई? मोदी की गारंटी कर्नाटक में क्यों नहीं चली भाई? मोदी की गारंटी हिमाचल में क्यों नहीं चली? मोदी जी की गारंटी वारंटी कुछ नहीं है। मोदी को चुनाव जिताने का अगर सबसे बड़ा कोई श्रेय जाता है तो ईवीएम को जाता है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। अंग्रेजों से ज्यादा किए भाजपा ने अत्याचार। ईवीएम जब तक रहेगा तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हराना नामुमकिन है। एक अकेला सब पे भारी कहने वाला नरेंद्र मोदी ईवीएम की बदौलत जीत रहा है और भाजपा के लोग कहते हैं कि मोदी जी के चेहरे पर वोट मिलता है। अगर मोदी जी के चेहरे पर वोट मिलता है तो बैलेट पेपर से क्यों नहीं होना चाहिए चुनाव? ईवीएम के खिलाफ आंदोलन नहीं होगा जब तक, तब तक प्रधानमंत्री मोदी जी को हराना मुश्किल है। एक आंदोलन ईवीएम के खिलाफ हो जाएगा ना, कमल भी सूखेगा, तालाब भी सूखेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सूख जाएंगे। 24 का चुनाव सर पे मंडरा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छाती धुक 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 हो रही है। मैं फिर कहता हूं कि ईवीएम के खिलाफ वकीलों ने आंदोलन छेड़ा है। जब तक देश का बच्चा बच्चा ईवीएम के खिलाफ आंदोलन नहीं छेड़ेगा तब तक उसका रोजगार खतरे में रहेगा, उसकी शिक्षा खतरे में रहेगी, औरत खतरे में रहेगी, पुरुष खतरे में रहेगा, किसान खतरे में रहेगा, जवान खतरे में रहेगा, संविधान खतरे में रहेगा, अल्पसंख्यक समाज का लोग खतरे में रहेगा। तो ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। अंग्रेजों से ज्यादा किए भाजपा ने अत्याचार। ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है दोस्तों। ईवीएम मशीन खराब होती है दोस्तों। आप एक चीज आपने याद भी होगा, आपने देखा भी होगा कि बैलेट पेपर से अगर चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल हो जाती है और अगर जहां जहां ईवीएम से चुनाव हो जाता है वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुमत प्राप्त हो जाती है। ये होता कैसे है? ईवीएम एक वाईफाई कनेक्टेड मशीन है और वहां पे कनेक्ट करने के बाद एक चीज बताइए कि फोन हमारा है, आपको हमने दे दिया ओटीपी बता दिया, पासवर्ड बता दिया तो आप हमारे फोन को खोल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ईवीएम है। ईवीएम को पहले ही खोल दिया जाता है। बैलेट पेपर से जहां चुनाव होता है बैलेट पेपर भी चोरी करने का काम करते हैं। लेकिन 24 का चुनाव अगर बैलेट पेपर से नहीं होता है तो आप लोग वोट डालने मत जाइएगा। ईवीएम से अगर चुनाव होता है तो वोट डालने मत जाइएगा, मैं फिर कहता हूं, क्योंकि सब कुछ खतरे में चला जाएगा। जैसे 2014 में इन्होंने ईवीएम से जीता, 19 में ईवीएम से जीता, और आप लोग, मैं फिर आग्रह कर रहा हूं कि ईवीएम से अगर वोट पड़ता है तो देश बर्बाद हो जाएगा। देश बर्बाद करने का सबसे बड़ा श्रेय जाएगा तो उसके भी जिम्मेदार आप लोग होंगे। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की गारंटी, किस चीज की गारंटी भाई? प्रधानमंत्री ने तो गारंटी लिया था 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार दिया क्या? अगर मोदी जी की गारंटी है तो उन्होंने कहा था महिलाओं को सुरक्षित करेंगे, क्या महिला सुरक्षित है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि नमामि गंगे की शुरुआत करेंगे, क्या गंगा साफ हुई आप बताइएगा जरूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, क्या स्मार्ट सिटी बनी? किसानों की आय दुगनी करेंगे, क्या किसानों की आय दुगनी हुई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी वारंटी भैया कुछ नहीं है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है तो यशोदा बहन की उन्होंने गारंटी क्यों नहीं ली? हमारे हिंदू संस्कृति में है कि 7 जन्म तक साथ निभाएंगे। अब आप सोचिएगा जरूर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यशोदा बहन की गारंटी नहीं ले पाए तो उनकी क्या ही गारंटी रही होगी साहब। ईवीएम के खिलाफ अब चारों तरफ आंदोलन होंगे और वकीलों ने यह ताया छेड़ा है साहब। पटियाला हाउस में एकत्रित होने वाले हैं और वकीलों ने जिसको भैया ले लिया संज्ञान पे तो उसको बचा सके ही जवाने में दम नहीं। जवाना वकीलों से है, वकील जवाने से नहीं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब क्या होगा? मोदी जी अपनी तो जैसे तैसे, लेकिन आपका क्या होगा जनाबे अली? आपका क्या होगा? आप ईवीएम को बैन नहीं करना चाहते हैं क्यों? अब भाजपा के लोग कहते हैं कि ईवीएम तो कांग्रेस लेकर आया था और जो गोदी मीडिया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चरण चमुगम करती है, जो हिरण जोशी जी का लिखा हुआ पढ़ती है, जो आरएसएस के आए हुए कार्यालय से वही प्रश्न पूछने का काम करती है। मैं उन तमाम संघी पत्रकारों से पूछना चाहता हूं कि आप कहते तो हैं कि ईवीएम कांग्रेस लेकर आई थी, लेकिन कांग्रेस आईआईटी भी लेकर आई थी, एम्स भी लेकर आई थी, जितनी भी आज देश में जितने भी पत्रकार है ना, गोदी पत्रकार है, चढ़ चमकम करने वाले पत्रकार हैं, जिस कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं वो यूनिवर्सिटी भी बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप जिस माइक को पकड़ रहे हैं ना, उसका हको अधिकार दिलाने वाला भी अगर कोई था तो कांग्रेस पार्टी था। अगर संविधान बनाने वाली भी कोई पार्टी थी ना तो कांग्रेस पार्टी थी। लेकिन आप लोग क्या कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने किया ही क्या है?
ईवीएम लेकर आ गई, सिर्फ ईवीएम पे ढिन ढड़प हो रही। लेकिन ईवीएम का दुरुपयोग सबसे ज्यादा अगर कोई कर रहा है तो भाजपा का लोग कर रहा है, और भाजपा का लोग ईवीएम का इसलिए कर रहा है समर्थन और इसलिए ईवीएम को ला रहा है कि ईवीएम से अगर चुनाव होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुमत प्राप्त हो जाएगी। और अमित शाह जी, गृह मंत्री जय शाह के पप्पा, कह रहे हैं कि 50 साल तक हमारी सरकार रहेगी। अब भाई 50 साल तक कैसे रहेगी? कहीं संविधान में लिखा हुआ है कि 50 साल तक हमारी सरकार रहेगी? मैं फिर कहता हूं कि लोग गारंटीज ले दे रहे हैं क्योंकि ईवीएम भी इनका है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इन सबकी शिकायत हम कहां करें भाई? शिकायत हम करने के लिए कहां जाएं? अगर कोई शिकायत करने के लिए जाता है तो उसका बात नहीं उठाया जाता है। वकीलों ने ताया छेड़ा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 24 में मुंह तोड़कर जवाब मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब जब डरते हैं, ईडी, सीबीआई, प्रशासन, आईटी, ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जमाई हैं। जैसे लोग कहा करते हैं भाजपा के तीन जमाई आईटी, सीबीआई, सीबीआई वाले और ये सब इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं। अब आप बताइए कि छापा विपक्ष पे क्यों नहीं पड़ रहा है, और 24 के पहले ये सब छापा विपक्ष पे ही पड़ रहा है, भाजपा के लोगों पर छापा क्यों नहीं पड़ता है? अगर भाजपा के लोगों पर छापा पड़ने लगे तो कमल, तालाब, मोदी, ईवीएम सब डूबेगा। और ईवीएम एक ऐसी मशीन है जो सिर्फ आप वोट कहीं भी डालिएगा, अगर आप वोट कहीं भी डालते हैं तो वोट भाजपा को ही जाता है। आपने देखा भी होगा कि मध्य प्रदेश में और भी अन्य राज्यों में एक तो सपा बसपा का विधायक था जिसने अपना ही वोट डाला और उसको अपना ही वोट नहीं मिला। अभी तो साहब बेमानी है। अब बताइए कि 2003 से ही दिग्विजय सिंह ईवीएम को लेकर कह रहे हैं कि ईवीएम बैन होना चाहिए, ईवीएम बैन होना चाहिए, ईवीएम बैन होना चाहिए, ईवीएम बैन होना चाहिए। लाल किशन अडवाणी जी भी कह रहे थे कि ईवीएम 2012 से, वो भी कह रहे थे कि ईवीएम बैन होना चाहिए। अब बताइएगा जरूर कि ईवीएम बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ईवीएम को भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि ईवीएम बैन हो। मैं चुनाव आयोग को खुली चुनौती देता हूं, चुनाव आयोग को मैं खुली चुनौती देता हूं कि आप लोग कब तक इतनी बदनामी सुनते रहेंगे, कितना इलेक्शन डिपार्टमेंट पे धब्बे आप लोग सुनते रहेंगे। लोग आजकल ईवीएम को और इलेक्शन डिपार्टमेंट को भी गरियाने का काम कर रहे हैं। मेरा इलेक्शन डिपार्टमेंट से, चुनाव आयोग से अपील है कि एक बार बैलेट पेपर से करवा दीजिए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, इतना ही लोग कहते हैं कि उनको समर्थन मिलता है, इतना ही कहते हैं कि मोदी जी की चेहरे पे वोट मिलता है, तो आपको याद भी होगा कि उद्धव ठाकरे ने कहा था कि चुनाव आयोग चूना लगाओ आयोग है। ठीक उसी प्रकार वो काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी प्रकार से काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग को खरीद लेते हैं, ईडी को खरीद लेते हैं, सीबीआई को खरीद लेते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं सबको खरीद लेने का अगर कोई काम करता है तो नरेंद्र मोदी जी करते हैं। और मैं कहता हूं कि 24 घंटे के लिए ईडी, सीबीआई, आईटी, जितने भी डिपार्टमेंट हैं जो जांच पड़ताल करने का काम करते हैं, वो हमको दे दीजिए, और चुनाव आयोग भी एक महीने के लिए दे दीजिए, और मीडिया जो है सिर्फ एक हफ्ते के लिए दे दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पसीना छूट जाएगा साहब। ये सर्दी बढ़ रही है ना, लेकिन सर्दी में अगर बलबल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पसीना ना छूट जाए तो कहना। और मैं देश के तमाम लोगों से फिर अपील करता हूं कि आप लोग कहिएगा जरूर अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आप जो भी चलाते हैं, स्नैपचैट हो गया, आप सब पे लिखिएगा ईवीएम बैन, ईवीएम बैन, ईवीएम बैन, ईवीएम बैन। सब जगह आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि ईवीएम बैन होना चाहिए। ईवीएम बैन हो गया साहब तो आपको हको अधिकार मिलेगा, ईवीएम बैन हो गया तो किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, ईवीएम बैन हो गया तो 24 में भाजपा की सरकार चली जाएगी, ईवीएम बैन हो गया तो SC ST OBC मैट्रिक के लोग बच जाएंगे, ईवीएम बैन हो गया तो मुस्लिम भाइयों को उनका हको अधिकार मिल जाएगा, ईवीएम बैन हो गया तो सौर समाज को उनका हको अधिकार मिल जाएगा, ईवीएम बैन हो गया तो महिलाओं को उनकी इज्जत और रूह बच जाएगी, ईवीएम अगर बैन हो गया तो आपसे मैं फिर कहता हूं कि शिक्षा पे जो टैक्स लगा है वो टैक्स को खत्म कर दिया जाएगा। अगर ईवीएम बैन हो गया तो देश सोने की चिड़िया बन जाएगी और संघियों से अपना देश आजाद हो जाएगा। पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। शुक्रिया।